क्या आपके माइंड में कोई पर्टिकुलर जेंडर आता है जब मैं बात करती हूँ डॉक्टर की, टीचर, नर्स, कुकिंग, डांसिंग, स्पोर्ट्स, पिंक, ब्लू? हाय एवरीवन, आई एम मनिका सांभुर और मैं आपसे बात करने वाली हूँ आज जेंडर सेंसिटिविटी के बारे में। हम बात करेंगे जेंडर इक्वालिटी की। वैसे तो ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम सब जानते हैं और हम स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी ये सब पढ़ते आए हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं हम थोड़े बहुत जेंडर बायस, थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं। सो लेट मी टॉक अबाउट जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी इज़ वॉट वेन वी वैल्यू ईच जेंडर, जब हम इक्वली जेंडर्स को ट्रीट करते हैं। अब अगर हम बात करें कोई पर्टिकुलर स्किल की, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा डांसिंग, या फिर मैं आपको बोलूँ कोई कलर बोलूँ, तो आपके माइंड में अगर कोई पर्टिकुलर जेंडर आता है तो कहीं ना कहीं आपने लेबलिंग की हुई है। बचपन से आपकी कंडीशनिंग इस वे में हुई है माइंड की कि आपने जैसे ही वो पर्टिकुलर वर्ड सुना आपके माइंड में वो जेंडर आ गया। तो आपको इस चीज़ पे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड दैट देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ स्किल एंड अ जेंडर। आप उसको दोनों को रिलेट नहीं कर सकते हो कि अगर एक स्किल है, फॉर एग्जांपल लेट्स से डांसिंग है, तो आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि यू नो ओनली गर्ल्स कैन डू इट या ओनली बॉयज़ कैन डू इट। सम टाइम्स पीपल जस्ट थिंक लाइक दिस। अगर हम कुकिंग की भी बात करें, कई बार लोग बोलते हैं कि यू नो इट्स अ गर्ल्स टास्क, ये तो उनकी जॉब है। और यही अगर कोई बॉय अच्छा कुक करता है तो लोग बोलते हैं कि यू नो लड़के के हाथ में कला है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट इट्स अ स्किल विच एनीबडी कैन डू इट, इट हैज़ नथिंग टू डू विद जेंडर। सिमिलरली कोई कलर है तो उसका जेंडर से कोई रिलेशन नहीं है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि बचपन से ही हम इस तरीके से कंडीशनिंग करवा देते हैं अपने बच्चों की, या हम इस तरह से घर में ऐसी चीज़ें क्रिएट कर देते हैं कि जिससे उनके माइंड में यह आ जाता है कि ये गर्ल्स टास्क है या ये बॉयज़ टास्क है। जैसे फॉर एग्जांपल छोटे बच्चों को, बॉयज़ जब बॉर्न होते हैं उनको जनरली पेरेंट्स गन्स, टॉय गन्स ला के देते हैं या टॉय कार्स ला के देते हैं, तो उनके माइंड में यह आ जाता है कि यू नो हम इसी चीज़ के लिए हमें वैल्यू किया जाएगा, कि हमें वायलेंस हमारे अंदर है अगर थोड़ा बहुत तो इट्स नॉर्मल, बट गर्ल्स के नॉट डू दैट। और अगर गर्ल्स की बात करें, छोटी गर्ल्स की, तो जनरली पेरेंट्स किचन सेट ला के दे देते हैं, तो उनको लगता है कि यू नो वी आर मेंट फॉर दिस ओनली, हमारा ये रोल ही है कि हमें कुक करना है बड़े होके। तो कहीं ना कहीं हम वो न्यूट्रल टॉयज नहीं लाते हैं जिसकी वजह से हमने कंडीशनिंग कर दी है, और बच्चे ये सोचना शुरू कर देते हैं कि बड़े होके हमें यही करना है एंड इट इज़ आर राइट। सो समटाइम्स बॉयज़ जस्ट फील कि यू नो इट्स ओके टू शो आर एंगर बिकॉज ये तो हमारा राइट है कि हम बॉयज़ हैं। ऑल्दो आई एम नॉट जनरलाइजिंग इट, बट आई एम जस्ट शेयरिंग इट विद यू कि अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कोई पर्टिकुलर स्किल है वो आपने लेबल कर दिया उसको कि ये गर्ल्स नहीं कर सकती या ये तो सिर्फ गर्ल्स ही करेंगी या बॉयज़ करेंगे, तो प्लीज़ स्टॉप डूइंग दिस। क्योंकि जितनी जल्दी आप ये स्टॉप करेंगे उतना ज़्यादा आप कंफर्टेबली जेंडर्स के साथ आप इजीली वर्क कर पाएंगे और आपको मज़ा भी आएगा, आप दोनों जेंडर्स को इक्वल वैल्यू दे पाएंगे। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू नो रिस्पेक्टिंग द अदर जेंडर, इट्स इवन अबाउट रिस्पेक्टिंग ऑल द जेंडर्स। आप एक गर्ल हैं तो आपको गर्ल की भी इक्वल रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आप बॉय हैं तो बॉय की भी इक्वली रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो यू हैव टू रियली बी सेंसिटिव टूवर्ड्स द अदर जेंडर। ये मत सोचिए कि ये गर्ल्स से रिलेटेड है या ये बॉयज़ से रिलेटेड है। आपको बस इतना सोचना चाहिए कि ये स्किल है विच एनीबडी कैन डू इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।